What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 18 दिसंबर 2019 वेनसडे सुबह के 8:13 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक में। कल हमने देखा निफ्टी ने नया हाई क्रिएट किया है, तो आज क्या हो सकता है निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स, ये आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है 17 दिसंबर आफ्टर मार्केट आवर्स, ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपको हमारा कल का वीडियो देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,078 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,021। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, शुरू में ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया, फिर से नीचे आया और इसी एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट टेस्ट करके फिर बाउंस बैक हुआ और फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ और इसके बाद ये जबरदस्त इसने अपसाइड रैली यहाँ से हमें दिखाया। तो यहाँ पर कल फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ और कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक में हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहां पर काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एशियाई मार्केट्स में आज एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज मार्केट 86 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। हांगकांग और हैंगसेंग यहाँ पर हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से आज मिले जुले संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। चलते हैं निफ्टी के आगे बढ़ने से पहले, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं नए और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैब के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रेडिंग फैब की जो टीम है वो दिन भर FNO स्टॉक्स को लाइव मार्केट में मॉनिटर करती है और जो इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारे मेम्बर्स के साथ टेलीग्राम ऐप के ऊपर शेयर करते हैं। तो अगर आपको इसे लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके मोबाइल के ऊपर टेलीग्राम ऐप को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद हमारा जो ये वीडियो होता है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो वहाँ पर हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है उसके लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट है, कैश मार्केट है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक ऑप्शन है, स्टॉक फ्यूचर है। तो इनमें जो लाइव मार्केट में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती है इंट्राडे के लिए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जो हमारे प्रीमियम मेंबरशिप प्लान है उसके लिए अगर आपको जानना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक ऑफर है, ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है या फिर भाई पैसा है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप फ्री में मिल सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट आपको ओपन करना है तो सिंपली इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ के इंस्ट्रक्शंस आपको सिर्फ फॉलो करने हैं, आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपको डालना है, तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक बार आपको क्लाइंट आईडी मिल जाता है तो आपको सिर्फ हमारे नंबर पे ऊपर कॉल करके वो कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। काफ़ी इजी है, ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। और एक चीज़ है, ये अपस्टॉक्स और फाइव पैसा का अकाउंट ओपनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट ओपनिंग है। तो ये था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में क्विकली इंट्रो। तो आगे बढ़ते हैं, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी इंडेक्स ने कल नया हाई लगाया है, तो अभी ये अनचार्टेड टेरिटरी में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी यानी इस लेवल पर पहले कभी भी निफ्टी लाइफ में कभी भी नहीं था, फर्स्ट टाइम इस लेवल पे ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आगे की रणनीति क्या होगी, कहाँ कौन सा रेजिस्टेंस का लेवल आ सकता है, ये हम फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू निकाल सकते हैं। हमने देखा कि ये जो लेवल्स हमने यहाँ पर ऐड किए थे फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू,
और एक लेवल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 76.4। 6 हफ्ते लगातार ये इस रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, एक्सट्रीम बुलिश यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ था। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। तो अभी इसने ऑल टाइम हाई फिर से क्रिएट किया है, अराउंड 12,182 का नया हाई इसने कल लगाया। तो अभी नेक्स्ट टारगेट एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 12,356 के पास होगा। तो अगर ये बढ़त कल का हाई अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो हमें नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 12,356 का एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। तो अभी अगर यहाँ से और भी टूवर्ड्स ये फिर से अगर साउथ की तरफ आता है, क्योंकि हर एक नए लेवल्स के ऊपर हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। हमने यहाँ पर भी देखा लास्ट 2 वीक्स में नया हाई निफ्टी ने क्रिएट किया था, तो हमें एक जबरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। फिर इस लेवल के पास सपोर्ट लेके फिर से अभी ये बाउंस बैक हुआ है। तो एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 12,350 के पास हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट हो सकता है, अगर निफ्टी कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो। तो ये है वीकली चार्ट का सीनरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में ट्यूजडे को हमने देख कल के वीडियो में देखा था, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बना था, लेकिन इसका ये जो कंफर्मेशन के लिए अगर ये यहाँ से साउथ की तरफ मूव करता है तो इसको इसका लो पहले ब्रेक करना पड़ेगा। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये प्राइस एक्शन का ट्रेंड का पैटर्न जो है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन इसने कल ओपन होते ही टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ और इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर क्रिएट किया। RSI को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड और ये हो सकता है राइट शोल्डर। और अभी इसका ये नेक लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर ये हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें निफ्टी में और भी नए लेवल अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है ये फिर नीचे आए, नेक लाइन का सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक दिखाए। तो यहाँ पर अभी निफ्टी एक्सट्रीम बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर निफ्टी का बना हुआ है। तो आज के निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, ये 60 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे। ये है निफ्टी इंडेक्स का 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 12,183 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,200। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके ऊपर सेकेंड टारगेट होगा हमारा 12,215। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर आर्ली चार्ट में अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, लास्ट स्विंग हाई लोस को पकड़कर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसने 61.8% का लेवल यहाँ पर अचीव कर लिया। और अभी और एक लेवल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये देखिए 76.4% का लेवल ऑलमोस्ट 12,200 के पास आ रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। और 100% का लेवल काफी अभी इस समय ऊपर है, अगर ये स्विंग हाई लो को पकड़ के हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करे तो। और यहाँ पर अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है, ये देखिए यहाँ पर पहले इसने रेजिस्टेंस फेस किया कल इसी लेवल के पास, फिर सपोर्ट टेस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ मूव हुआ। तो 12,139 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,118। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 EMA का पिंक लाइन जो कि अराउंड अभी 12,102 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।